भाजपा कार्यकर्ता को थप्पड़ मारना दारोगा को पड़ा भारी, हुए लाइन हाजिर। सनीगवा चौकी प्रभारी दीपक त्यागी पर भाजपा कार्यकर्ता को तमाचा मारने का आरोप लगा। दर्जनों भाजपाइयों ने सनीगवा चौकी का घेराव कर धरने पर बैठ गए और दारोगा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। गणेशपुर निवासी सुनील राजपूत भाजपा के रामादेवी मंडल उपाध्यक्ष हैं। सुनील ने बताया कि रविवार को पार्टी का झंडा लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में सनीगवा चौकी प्रभारी दीपक त्यागी ने रोक लिया और एक मुकदमे की जानकारी लेने लगे। सुनील ने जानकारी से इनकार कर दिया। वहीं सुनील का आरोप है कि न सुनते ही दारोगा दीपक त्यागी ने पुलिसियागिरी दिखाते हुए उसको तमाचा मार दिया, साथ ही विरोध करने पर मोबाइल छीन लिया, चौकी ले जाकर अभद्रता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद सौरभ तिवारी, भाजपा नेता बीडी राय समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता सनीगवा चौकी पहुंच गए और घेराव कर दिया। चौकी प्रभारी को निलंबित करने की मांग करते हुए हंगामा कर दारोगा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मामला बढ़ता देख मौके पर एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक व चकेरी इंस्पेक्टर मधुर मिश्र मौके पर पहुंचे, दारोगा को लाइन हाजिर कर मामले को शांत कराया। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या घटना हुई थी सर? और ये हमारे मंडल पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, ये जनता के किसी पता पूछ रहे थे, उसका पता इन्होंने बता दिया तो उसी को लेकर के वो उलझ गए और हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने हाथ उठाया, मारा पीटी की। किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज वो लाइन हाजिर किए गए, उनके खिलाफ कठोरतर कार्रवाई की जाएगी और मैंने एसपी महोदय को आज ये बोल दिया है कि अगर जनता के साथ बदसलूकी की गई और जनता के काम के लिए अगर कोई मेरा कार्यकर्ता जाता है उसका उत्पीड़न किया गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।